ने बीजेपी छोड़ी है और एनसीपी ने उनको प्रवेश दिया है। अब दोनों की कुंडली अगर जम गई होगी तो उनका निर्णय है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। सर, सीबीआई को अब इंक्वायरी करना होगी तो राज्य सरकार से? हाँ, इसलिए कि सीबीआई छोटे छोटे मामले में जो मुंबई या महाराष्ट्र की पुलिस जांच करती है वहाँ भी घुसने लगी। सीबीआई का अपना एक वजूद है, अपनी ताकत है, अपना एक रुतबा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो जांच करने का अधिकार है। कोई टेररिज्म का विषय है, कोई और बड़ा मामला है, लेकिन मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की तो और किसी राज्य में एक एफआईआर दाखिल किया जाता है, वहाँ की केस सीबीआई को जाती है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, उसका हनन अगर कोई करता है तो मजबूरन इस प्रकार के निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं। आपने पश्चिम बंगाल की भी बात की, पश्चिम बंगाल सीबीआई या मुंबई, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश में भी सीबीआई को बैन है और भी दो चार राज्यों में बैन है। क्यों ये नौबरार? केंद्रीय जांच एजेंसी जिसके ऊपर लोगों का, राज्यों का भरोसा होना चाहिए, उनके बारे में इस देश के कुछ राज्य सरकारें अविश्वास दिखाती है तो देश के गृह मंत्रालय को भी उस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। उस बारे में जानकारी राज्य के गृह मंत्री दे सकते हैं। लेकिन सर, बीजेपी का यह कहना है कि इस तरह का फैसला लेने के क्यों जरूरत आन पड़ी? क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स हो रही थी इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया? इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। बीजेपी ने अगर सवाल पूछा तो उसका जवाब गृह मंत्री देंगे या मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन जब अब तक नहीं हुआ, अब करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी है, उस बारे में यहाँ के अपोजिशन पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। आंध्र में भी हुआ था।